वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के लिए पाकिस्तान नेवी की जॉब्स की अपडेट लेके आए हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। जॉब्स की तमाम डिटेल जानने के लिए वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इजीली अपने जॉब के लिए, अपनी रिक्वायर्ड जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो असामियां अनाउंस की गई हैं, उन असामियों पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है और मिडल है। और इन असामियों पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। इसमें जो असामी अनाउंस की गई है वो एज ए सेलर आप लोग पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इसमें जो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही, मर्द ही पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी को एज ए सेलर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिन वैकेंसीज पे भर्ती अनाउंस हुई है उसमें टेक्निकल ब्रांच में असामी अनाउंस की गई है, नेवल पुलिस है, नायब खतीब है, शेफ है और ड्राइवर है, सेंट्री वर्कर है, स्वीपर है, पीटी है, डायरेक्ट एंट्री सेलर और आईटी ब्रांच है, ठीक है। पाकिस्तान नेवी की इन ब्रांचेस में जो है वो भर्ती होने जा रही है। तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज ए सेलर पाकिस्तान नेवी की ब्रांच, कोई भी ब्रांच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इन असामियों पे अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है कौन सी असामी पे अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो अब जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बहुत तफसील से, ताकि आप लोगों को समझने में, अपनी जॉब को अप्लाई करने में कोई भी मुश्किल ना हो। सबसे पहले है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जेंडर मेल है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद 65% मार्क्स होने चाहिए, एज लिमिट 16 से 20 साल है, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो मैट्रिक है उसमें कम से कम आपके 65% नंबर लाजमी होने चाहिए। 65% नंबर से कम वाले जो लोग हैं वो अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 पे इसमें वैकेंसी आती है नेवल पुलिस की, रेगुलेटिंग की। उसमें जो है जेंडर ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स, एज लिमिट 16 से 20 इयर्स और हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो आप देखें क्वालिफिकेशन जो है 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है, यानी कि मैट्रिक में आपके। तो एक बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये है कि इसमें खवातीन फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है नायब खतीब। नायब खतीब की सामी पे अप्लाई करने के लिए जो जेंडर रिक्वायर्ड है वो मेल है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड यानी शादीशुदा या गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मैट्रिक, एज लिमिट ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर्स होनी चाहिए और हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। नायब खतीब की असामी को पे अप्लाई करने के लिए एज ए सेलर नायब खतीब पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने की ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए अप्लाई करना है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो देन जो है वो आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। और उसके बाद जो असामी इसमें आती है वो शेफ की है, स्टेवर्ड की है, ठीक है। इस असामी को ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो अहलियत है, उसमें जेंडर की रिक्वायर्ड है वो मेल है, मैरिटल स्टेटस आपकी जो है अनमैरिड यानी गैर शादीशुदा हो, क्वालिफिकेशन मैट्रिक 50% मार्क्स, अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 16 से 20 साल, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी शेफ की असामी को ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है म्यूजिशियन, ठीक है। इस असामी को ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसमें जो जेंडर रिक्वायर्ड है वो मेल है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक 50% मार्क्स, अप्लाई करने के लिए उम्र ख्याल 16 से 20 साल और हाइट आपकी 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो असामी है वो है एमटीटी या ड्राइवर, ठीक है, यानी पाकिस्तान नेवी को एज ए ड्राइवर ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। अगर आप लोग एज ए ड्राइवर पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें जो है जेंडर ओनली मेल है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, एज लिमिट 18 से 24 साल होनी चाहिए और हाइट आपकी 5 फीट 4 होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी होना चाहिए और
अगर नहीं भी है तो देन भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्री वर्कर है, स्वीपर है, सेंट्री वर्कर या स्वीपर के असामी पे अप्लाई करने के लिए जेंडर ओनली मेल है, ठीक है। और मेरिट स्टेटस अनमेरिड, क्वालिफिकेशन मिडल होनी चाहिए, उम्र ख्याल 17 से 20 साल, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है स्वीपर के असामी को ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी कंडीशन है। उसके बाद आती है पीटी ब्रांच, ठीक है। पीटी ब्रांच में भी जो जेंडर रिक्वायर्ड है वो मेल है, मेरिट स्टेटस अनमेरिड है, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विद 60% पास, उम्र की हद 16 से 20 साल, हाइट आपकी 5 फीट 6.5 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट एंट्री सेलर आईटी ब्रांच को जो है आप लोग पाकिस्तान नेवी की आईटी ब्रांच को ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जेंडर मेल, मेरिट स्टेटस अनमेरिड, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर विद 50% मार्क्स, एज लिमिट 18 से 35 ईयर 32 ईयर्स, और हाइट जो है वो आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इन असामियों को ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख चुके होंगे कि कौन से असामी के लिए आप लोग अहल हैं। जिस असामी के लिए आप लोग अहल हैं उस असामी पे लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके अप्लाई करने के तरीकाकार की जानिब। जो इसका आप लोगों ने अप्लाई करना है, अप्लाई आप लोगों ने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें और घर बैठे अपने लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। और ऑनलाइन अप्लाई इसकी जो है वो कंटिन्यू है, जारी है, जो 19 मई से 2 जून तक है। तो 2 जून से पहले पहले आप लोग अपने लिए जो है पाकिस्तान नेवी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के लिए पाकिस्तानी मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान नेवी में खिदमत सर अंजाम देने की, एज ए सेलर आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है। तमाम डिटेल तो हम लोग ऑलरेडी आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर जॉब का एडवर्टाइजमेंट हम वीडियो में इसलिए मैंशन करते हैं ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो सके कि ये जॉब वाकई अनाउंस की गई है। समटाइम कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये जो है फेक वीडियो बनाई है आप लोग ने, तो इसलिए हम साथ एडवर्टाइजमेंट लाजमी मेंशन करते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। और इसके अलावा अगर आप लोग इस जॉब को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन में हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह घर बैठे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा, आप लोगों को ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और किसी भी चीज की गाइडेंस हो लेनी हो आप लोगों ने, कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।